परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, इंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन इंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया तब इंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहां तक। बाहर जाके हम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा कि आज तक से ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। देख भाई क्या कहेंगे आज के मैच को, आज के मैच पर क्या कहेंगे? यार बहुत बुरा लगा कि इंडिया हार गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनल फिर भी इंडिया जीतेगी, वर्ल्ड कप हम ही उठाएंगे। पाकिस्तान का इंतजार करेंगे, मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान से खेलेंगे अगली बार तो हम 100% जीतेंगे। पाकिस्तान को कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एंड वी आर ऑल स्पोर्टिंग पीपल, तो बहुत ही अच्छा खेला। 10 विकेटों से उम्मीद थी कि 10 विकेटों से? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद से ज्यादा अगली बार खेलेंगे और पाकिस्तान को जरूर हराएंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम इंडिया जरूर जीतेगी।